चलिए 6xy माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप जितने भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको सब डिफरेंट नज़र आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपको एक अलग तरीके से दिया होगा, लेकिन हमारा जो तरीका होता है करने का वो सेम होता है, राइट। अब हम यहाँ पर भी अगेन ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पर ठीक है ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, कॉमन कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है नंबर कॉमन निकल नहीं सकता। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं निकल सकता। यहाँ पर y है और यहाँ पर y स्क्वायर है, दोनों जगह y है, तो जिसकी पावर कम है वो वाली चीज़ आप बाहर ले लेंगे, मीन्स y आप बाहर ले लेंगे, राइट। दोनों में से यहाँ से भी एक y बाहर ले लिया, यहाँ से भी एक y हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमने अगर एक y बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, ये y हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 6x माइनस। अब यहाँ पर y स्क्वायर है, अगर मैंने इसमें से एक y बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक और y, ठीक है। ये मैं आपको हर बार करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने लिया। अब कॉमन लेने की बारी यहाँ से आती है, राइट। सबसे पहले तो आपको बात ये करनी है कि मुझे सेम यही ब्रैकेट मिलना चाहिए, राइट। इसको आप लिख दीजिए, लेकिन कॉमन निकालते हैं दोनों में से। सबसे पहले बात करते हैं 12 और 2 की, तो दोनों में कॉमन क्या है, 12 को आप लिख सकते हैं 2 × 6 और 2 को आप 2 लिख सकते हैं, तो कॉमन क्या होगा 2, वो हम कॉमन यहाँ पर ले लेंगे 2, राइट। एक्स ऑलरेडी अंदर है, मैंने क्यों बोल रही हूँ कि मैं ये ऑलरेडी अंदर है, क्योंकि आप इन दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 6xy यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद माइनस y × y y² मिलेगा। इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, क्या चीज़, 12xz। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलना चाहिए, 12xz। तो देखिए नंबर तो हमें मिल गया 2 × 6 = 12, एक्स भी मिल गया, बाकी क्या चीज़ है, जेड। अब इसमें से जो जेड है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, राइट। अब देखते हैं हमारा कि किस तरीके से हमने जो कॉमन लिया है वो हमारा सही है या नहीं है। मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया, राइट, और यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, क्यों लगाया उसको दोबारा से लिखते। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करती हूँ, ठीक है। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगी तो मुझे ये दोनों टर्म्स मिलनी चाहिए, 2 × 6 = 12 x and z, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2y and z, 2z को मैं y से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 2yz मिल जाएगा, राइट। ओपन करने ब्रैकेट्स आपको इस तरीके से बनाने कि आपकी जो ये ऊपर वाली टर्म्स लिखी हुई हैं फर्स्ट स्टेप में वो चेंज नहीं होनी चाहिए हमारी। मैं किसी भी टाइम पे अगर इन ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी तो मुझे सेम यही चारों टर्म्स मिल जाएंगे, राइट। अब मेरा ब्रैकेट कॉमन है 6x - y और बाकी क्या बचा, 6x - y, इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ क्या बचा, y, और इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ क्या बचा, प्लस 2z। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।